Assalamu alaikum, and today we have Alan Keesler, and welcome to Rahim's Odyssey. It is me, Rahim Fatima, and I told you we have Alan Keesler here. And I feel so honored interviewing him, and he's a very, very knowledgeable person. So I think without further ado, let's get to talk to him. Assalamu alaikum, kaise hain aap? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो सर, कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ फॉर द पीपल हु डोंट नो यू इन द ऑडियंस। ओके, आप चाहती हैं कि मैं उर्दू में बात करूँ फिर? जी जी। अच्छा, तो मेरा नाम है एलन कीज़लर। मैं अमेरिका में बैठकर हमेशा पाकिस्तान के बारे में सोचता रहता हूँ। तो बचपन में मैं पाकिस्तान में रहता था, लेकिन मेरे वालदैन अमेरिकन थे। वो पाकिस्तान में काम कर रहे थे, मिशनरी थे, क्रिश्चियन मिशनरी। इसलिए मैं पाकिस्तानी हूँ जैसे उर्दू बोलता हूँ। और हकीकत में मैं इंडिया में पैदा हुआ था, पाकिस्तान बनने से पहले। और क्योंकि मेरे वालदैन उस वक्त खानेवाल में काम कर रहे थे, लेकिन गर्मी में वो हिमालयों में जाते थे, क्योंकि गर्मी बहुत थी खानेवाल में, तो अंग्रेजों के लिए इसको बर्दाश्त करना मुश्किल था। इसलिए वो मंसूरी में जाते थे, पहाड़ी इलाके, और वहाँ इतनी गर्मी नहीं थी। तो मैं उस वक्त पैदा हुआ था गर्मी में, जुलाई 1947 में, मतलब पाकिस्तान बनने से बस कोई 40 दिन पहले। और क्योंकि वहाँ मंसूरी में एक क्रिश्चियन कम्युनिटी और क्रिश्चियन स्कूल था, तो वहाँ जाते थे। और फिर जब मैंने स्कूल शुरू किया था, मैं उधर ही पढ़ने गया था, उसी स्कूल, मिशनरी स्कूल में, मंसूरी में। तो इसलिए मैं हर साल पाकिस्तान में रहता था, लेकिन स्कूल के लिए इंडिया जाता था। तो ऐसे हर साल मैं पाकिस्तान से इंडिया, इंडिया पाकिस्तान, ऐसे इधर उधर जाता था। तो मैंने देखा कि इंडिया के लोग और पाकिस्तानी के लोग में कितने हम कह सकते हैं मोहब्बत नहीं थी, नफरत थी। और बचपन में ही, या कम से कम जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था, जब जवान था, मैंने फैसला किया कि मैं चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी में मुख्तलिफ मुल्कों और मुख्तलिफ मजाहब के लोगों में जो जब नफरत होती है उसको तब्दील करने की कोशिश करूंगा। मतलब लोगों को समझना चाहिए कि जो हमें बताया गया था बचपन में, या मुल्क साउफिसा ही नहीं है, और जो दूसरे लोग सोचते हैं वो भी साउफी साउ गलत नहीं है। तो कैसे हम इस मुश्किल को, सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया ने, पूरी दुनिया में जितने मुल्क के लोग हैं और जितने मजाहब के लोग हैं, उन सब को हम कैसे साथ में ला सकते हैं ताकि नफरत खत्म हो जाए। तो ये अभी भी मैं यही चाहता हूँ मेरी जिंदगी में, मैं यही करूँ। तो अगर मेरे जिंदगी का मकसद मैं कोई भी चीज समझता हूँ, वो बस यही है कि मोहब्बत को बढ़ाना, खासकर मुख्तलिफ मजाहिब और मुख्तलिफ मुल्कों के लोग में। जी, तो जैसे आप अपने हर इंट्रोडक्शन में कहते हैं कि आप अमेरिका में भी बैठ के पाकिस्तान के बारे में सोच रहे होते हैं, फिर तो पाकिस्तान स्पेशल होता है। तो आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान क्यों स्पेशल है? मेरे लिए तो स्पेशल है क्योंकि बचपन में वहां रहता था, लेकिन हकीकत में इसलिए नहीं बल्कि क्योंकि मुझे बताया गया है, माफ करना, मुझे बताया गया है कि पाकिस्तान एक आम जगह नहीं है। ये सबसे पहले मेरे ख्याल में कोई 1982-83 में था, क्योंकि मैं, मतलब पाकिस्तान में 47 से लेकर 65 तक रहा,
और इंडिया में पढ़ रहा था स्कूल में 65 तक। तो 65 में हम कुछ दोस्तों के साथ हम बाय रोड गए थे पाकिस्तान से यूरोप, और फिर अमेरिका गया था हवाई जहाज में और बस से न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया। और फिर जब मैं एक साल के लिए जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, मैं वापस यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में गया था मेरे वालदैन के साथ। मैं रहा उस वक्त वो कराची में रह रहे थे। और फिर 1980-81 में मैं पाकिस्तान में रहने के लिए गया था। और फिर कोई 82-83 में एक दिन सुबह सुबेरा जब मैं घोटकी नाम का छोटा शहर है सिंध में, तो एक दिन सुबह सुबेरा जब मैं जिक्र कर रहा था, मैंने सुना था एक आवाज बिल्कुल क्लियर साफ, मैं सुना कोई आए थे मेरे साथ, कोई अजीम शख्सियत आई थी, शायद वो सूफी थे, मुझे मालूम नहीं था वो कौन था, लेकिन मैंने सुना था पाकिस्तान द मतलब है ओ पाकिस्तान जिथे हजूरी पाक उदे पाक मुसाहिब दे नाल इस्लामी पाक फिर कायम कर देंगे। तो ये सुनकर मैं थोड़ा हैरान हो गया, मैंने इसको समझा नहीं कि हकीकत में इसका मतलब क्या है। तो मैंने कुछ बल्कि मैं याद कर सका, और फिर कुछ पंजाबी दोस्तों से मैंने पूछ लिया क्या ये सही पंजाबी है, इसका मतलब क्या ये। तो उन्होंने कहा वो बहुत खूबसूरत पंजाबी है। और फिर काफी टाइम लगा कि मैंने कुछ किया नहीं इसके बारे में, बल्कि मुझे ये भी बताया गया था कि तुमको एक पाक रास्ता नाम की तहरीक शुरू करना होगा। तो ये क्या चीज है पाक रास्ता क्या है, मुझे मालूम नहीं था। लेकिन फिर शायद कोई 2015 में था, मैं एक दिन लाहौर में बैठा था एक कोई दोस्त के साथ, जिन्होंने मुझे एक मीटिंग में ले लिया जहां बहुत बड़े उलमा लाहौर के बड़े उलमा वहां मीटिंग में थे। तो उसी मीटिंग के दौरान ही मैंने दोबारा वही आवाज सुनी जो मैंने कितने साल पहले घोटकी में सुना था। तो उस वक्त मैंने ये सुना था इस्लामी पाक तो मतलब की शरीयत या मोहब्बत, इंसानी पाक तो मतलब की जिस्मी खाक या रूही पाक। तो दूसरों ने नहीं सुना बल्कि मैंने बिल्कुल साफ सुना। और फिर 2016 में मैं पहले बार सियालकोट में अलामा इकबाल रहमतुल्लाह के घर में गया था, और वहां मुझे लगा कि वो मुझसे बात कर रहे थे। और फिर 2017 में दूसरे साल मैं फिर गया था उधर ही, और फिर अलामा इकबाल रहमतुल्लाह से बात हुई थी, और फिर मैंने समझ लिया कि हकीकत में जो घोटकी में और फिर लाहौर में जिन्होंने मुझे बात की थी पाकिस्तान के बारे में, तो वो ही अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह थे। तो इसलिए मैं हमेशा पाकिस्तान के बारे में सोचता हूँ, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि पाकिस्तान एक आम मुल्क नहीं है, लेकिन वो मदीना इस्सानी है जहाँ इस्लामी पाक फिर कायम हो जाएगा, जिसका मतलब है मोहब्बत। इस्लाम का रूह है मोहब्बत। और उसके बाद मैंने सुना था मौलाना तारिक जमील साहब का एक वीडियो जिसमें उन्होंने बताया था एक हदीस जिसमें हुजूरी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि इस्लाम का सबसे मजबूत अमल है मोहब्बत। तो इसलिए मैं हमेशा पाकिस्तान को याद करता हूँ और पाकिस्तान के बारे में बात करता हूँ, और खास करके पाकिस्तान में पाकिस्तान मदीना इस्सानी है, पाकिस्तान में इस्लामी पाक फिर कायम हो जाएगा, और इस्लाम पाक इस्लाम असली इस्लाम का मतलब है, इसका रूह है मोहब्बत। तो मैं बहुत खुश हो गया था क्योंकि मेरे बचपन से ही मैं चाहता था कि मोहब्बत को हम बढ़ाना चाहिए, खासकर इंडिया और पाकिस्तान के लोगों में या किसी भी मुल्क के लोग दूसरे मुल्कों के लोगों से,
और खासकर किसी मजहब के दूसरे मजहब के लोगों से मोहब्बत बढ़ाना चाहिए। तो ऐसे ही मैंने समझ लिया कि, और फिर मेरी जिंदगी में यही मकसद आ गया पाकिस्तानियों को खासकर, पहले कि पहले मैं सोचता सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए, मुसलमानों के लिए मैं ये बताऊंगा, लेकिन बाद में मुझे बताया गया कि नहीं, ये सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लोगों को मुझे ये समझाना चाहिए कि आलमगीर अमन कायम हो जाएगा, क्योंकि इस्लाम का मतलब ही है अमन। तो पाकिस्तान में ही ये आलमगीर अमन शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। कब? पाकिस्तानी लोग हकीकत में पाक हो जाते, क्योंकि पाकिस्तान का मतलब है पाक लोगों का स्थान। तो इसलिए जब पाकिस्तानी लोग पाक हो जाते हैं, साफ दिल हो जाते हैं, सिंसियर हो जाते हैं, फिर पाकिस्तान में असली इस्लाम यानी मोहब्बत कायम हो जाएगा और फिर पूरी दुनिया में ये फैल जाएगा और ऐसा ही आलमगीर अमन हो जाएगा इंशाल्लाह। तो आपको क्या लगता है, क्या आप बचपन में आपने ऐसा कोई काम किया या फिर आप कोई इस तरह की आपकी कोई आदत थी जो आपको अल्लाह के इतने करीब लाई, जो अल्लाह ने आप में देखी और आप दोनों बहुत करीब हो गए? कोई ऐसी आदत थी, कोई ऐसा काम जो आप रोज करते थे या फिर कुछ अरसे के बाद करते थे, कोई ऐसी चीज थी? बस मेरे वालदैन ने, खासकर मेरी माँ ने मुझे सिखाया था कि इंसान बनने का मतलब है अल्लाह का नाम लेना और अल्लाह की खिदमत करना, जो कुछ अल्लाह चाहता है वही करना है, ये हमारा फर्ज है। तो अल्लाह का नाम उन्हें लेती थी गॉड, वो कहते थे टू डू द विल ऑफ गॉड, दैट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। तो फिर मैंने ये मान लिया था और समझ लिया, और हकीकत में मैं यही चाहता था सबसे पहले, जब मैं बहुत छोटा था अभी, मैं बस यही चाहता था कि मैं जो खुदा चाहता है, जो अल्लाह चाहता है, मैं वही करूं। तो शायद इसलिए मेरी माँ और मेरे वालिद साहब ने मुझे ये सिखाया। तो फिर बचपन में ही मैं ऐसे दुआ करता था और खासकर बाइबल को, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात को पढ़ता था और मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैं बहुत खुश होता था हकीकत में जब कभी मैं होली बाइबल को पढ़ता था। और गिरजा में हम कम से कम हर इतवार को जाते थे और ऐसे शायद ये शुरू हुआ था जी। तो आपका बचपन कैसा गुजरा था, क्योंकि जिस तरह आपने बताया कि आपके जो वालिदैन हैं वो अमेरिका से हैं, आप लाइक इट वाज बैक एंड फोर्थ बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, आप इंडिया भी जाते थे, आप पाकिस्तान में भी थे, तो आपका आप काफी यू नो कल्चरल बहुत सारे डिफरेंसेस थे। तो आपका बचपन जैसे कैसा गुजरा था, किस तरह का बचपन था आपका? बचपन में मैं खुश था, आमतौर पर मैं बहुत खुश रहता था, मेरे वालदैन बहुत अच्छे इंसान थे दोनों, बहुत अल्लाह को मानने वाले, खुदा को मानने वाले, खुदा की खिदमत, बल्कि उन्होंने अपनी जिंदगी दी थी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के, जीसस क्राइस्ट की तालीमात को फैलाने में, बस यही उनकी जिंदगी का मकसद था। तो और वो बहुत अच्छे इंसान थे हकीकत में, बहुत बस लोगों की खिदमत करते थे, बिल्कुल खुद गर्जी को उन्होंने छोड़ दिया था। तो हम बहुत खुश थे, मेरी बड़ी एक बहन थी और छोटा भाई और छोटी बहन थी, तो हम चार बच्चे हमेशा खुश खेलते थे। मुझे याद है, मुझे खानेवाल को याद नहीं है, क्योंकि जब मैं 2 साल के था हम खानेवाल से अमेरिका गए थे 1 साल के लिए, फिर हम वापस लाहौर में रहने लगे। मैं लाहौर को याद कर सकता हूँ, हम पतंग उड़ाते थे गुली डंडा वगैरह खेलते थे दोस्तों के साथ, पिट्टू गरम ऐसे खेल हम खेलते थे, और लाहौर मुझे बहुत अच्छा लगता था। उस वक्त हम FC कॉलेज में रहते थे, और उसके बाद मैं वारिस रोड पे हम गए थे जहाँ लूसी हैरिसन गर्ल्स स्कूल है उसके बाजू में, और उधर मोजंग के नजदीक, मोजंग बहुत
मशहूर था पतंगों पतंग वहां और आते थे वो ज्यादा, तो हवा जो आम तौर पर वो मोजंग की तरफ से हमारे तरफ आते थे, तो बहुत सारे पतंग कट जाते थे और हम उनको पकड़ते थे तो, पतंग उड़ाने में मुझे बहुत और बहुत अच्छा लगता। तो मेरी मेरे बचपन में मैं बहुत खुश था। और क्या पाकिस्तान और इंडिया में दोनों जगहों में जाने से मैंने बहुत कुछ सीख लिया। हकीकत में मैंने देखा कि ये लोग ये बता रहे हैं और दो लोग उसका बिल्कुल बरक्स, ये कैसे है तो फिर मैंने सीख लिया जो कुछ अखबारों में बताया जाता है वो शायद हकीकत नहीं तो बहुत अच्छे सबक मैंने सीखी ऐसे दोनों मुल्कों में जाने की वजह से। जी, तो ये मुझे पता चला कि आप यू आल्सो टॉट इन एससी कॉलेज, क्योंकि आप वहां से पढ़े थे तो आप उधर पढ़ाते भी थे, तो हाउ वाज इट टीचिंग देयर? क्योंकि जब आप पढ़ाते हैं आई थिंक कि आपका बहुत अफेक्ट पड़ता है जो आपके स्टूडेंट्स होते हैं, और कॉलेज के स्टूडेंट्स यंग माइंड्स होते हैं, उस वक्त जो है माइंडसेट्स डेवलप होते हैं, तो टीचर्स का बहुत हाथ होता है आई गेस। हाँ, तो मैंने पीएचडी की थी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली में साउथ एशियन स्टडीज में। तो फिर जब मुझे एफसी कॉलेज में नौकरी मिली थी 2003 में, तो मैंने फिर पाकिस्तान स्टडीज पढ़ाया था एफसी कॉलेज में। तो उस वक्त एफसी कॉलेज वो मतलब जो अंग्रेज का सिस्टम था पहले, जैसे अभी भी पाकिस्तान में है, उसको चेंज कर रहा था, अमेरिकन सिस्टम शुरू किया जा रहा था। तो मैंने कुछ क्लास वो पुराने या अंग्रेज सिस्टम में, अंग्रेज के इंग्लिश सिस्टम, और कुछ अमेरिकन सिस्टम क्लासेस मैं पढ़ा रहा था। तो इंग्लिश सिस्टम था तो सिर्फ बच्चों को मतलब तालिबे इल्म को इम्तिहान के लिए तैयार करना है, तो वही सब फिक्स होता था। लेकिन अमेरिकन सिस्टम में प्रोफेसर की काफी आजादी है, जो कुछ वो पढ़ाना चाहते हैं वो पढ़ा सकते हैं, और गवर्नमेंट इम्तिहान के लिए तैयारी नहीं किया जाना पड़ता है, बल्कि प्रोफेसर खुद वो इम्तिहान देता है और ग्रेड देता है बच्चों को, तालिबे इल्म को। तो उस क्लास में जहां मैं जो पढ़ाना चाहता पढ़ा सकता मैंने हकीकत में 9/11 के बारे में मैं बताता था बच्चों को कि आप समझने की कोशिश करो कि जो कुछ कुछ मीडिया में बताया जा रही है बातें वो हकीकत नहीं है। ये 9/11 उसामा बिन लादेन ने नहीं किया, वो एक गुफा में बैठा था अफगानिस्तान में, वो कैसे ये इन बड़ी इमारतों को गिरा सकता था? कोई हवाई जहाज अगर इमारत को ऐसे लगता वो उसको नहीं गिरा सकता था ये सब झूठी बातें हैं साहब की साहब। फिर मैंने बताया था उनको कि जहां तक मुझे मालूम हुआ है हकीकत क्या है कि ये सीक्रेट गवर्नमेंट ने किया, अमेरिका की हुकूमत ने खुद या अमेरिका की हुकूमत के पीछे जो शैतानी लोग हैं उन्होंने ये करवा दिया। तो और वो तालिबे इल्म बहुत खुश होते थे इन बातों को सुनकर। मैं जब अमेरिका में बात करता हूँ इसके बारे में काफी लोग भी, लेकिन बहुत सारे लोग डरते हैं ऐसी बात से कि वो नहीं ऐसे बात मत करो हमारी हुकूमत ऐसे नहीं कर सकती लेकिन पाकिस्तान में ज्यादातर लोग इस बात को सुनकर सुनने के लिए तैयार होते हैं और बल्कि खुश भी होते हैं इस हकीकत को समझ, क्योंकि ये सिर्फ इस्लाम के खिलाफ लोगों को करवाने के लिए इन शैतानी लोगों ने ऐसा किया। वो चाहते थे कि इस्लाम और यहूदी और ईसाइयों में जंग हो जाए, इसलिए उन्होंने ऐसी चीजें की थी। तो ऐसे में पाकिस्तान स्टडीज पढ़ाते हुए उस क्लास में मैं ऐसे बातें करता था। तो लाइक आपको आजादी थी एज एन अमेरिकन टीचर कि आप जो चाहते आप पढ़ा सकते थे, तो अब आपकी काफी रीसेंट एक वीडियो है और उसका वो मैंने थोड़ी थोड़ी देखी थी, एंड आई रिमेम्बर यू सेइंग कि अल्लाह के नाम आपको डिफरेंट जुबानों में लेने चाहिए,
आपको क्यों लगता है कि डिफरेंट जुबानों में हमें अल्लाह के नाम लेने चाहिए? शायद मुझे ये नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मुझे ये बताया था कि आलमगीर अमन कायम हो जाएगा जब मुख्तलिफ मजाहब के लोग दूसरे मजाहब के दुआओं भी पढ़ते हैं और दूसरे जबानों में, मतलब दूसरे मजाहबों में जो अल्लाह के नाम है वो बोलते हैं और दूसरे मजाहब की किताबों को भी पढ़ते हैं और दूसरे मजाहब के लोगों के साथ मिलकर मोहब्बत से बात करते हैं और एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। तो जब तक ऐसे नहीं होता है आलमगीर अमन नहीं होता। तो इसलिए मैं रोजाना अभी काफी सालों से मैं मुख्तलिफ मजाहब की दुआओं पढ़ता हूँ और अभी मैं बिल्कुल ये जिक्र शुरू किया था। रोजाना मैं कम से कम 500 नाम चाहते हुए सबसे पहले जब मैं जागता हूँ मैं जिक्र शुरू करता हूँ। तो मैं अल्लाह का नाम लेता हूँ, ये अरबी जबान में अल्लाह का नाम तोइनी, ये एक दूसरे सियारे के लोगों की जबान में ये अल्लाह का नाम है, और अदोनाए ये हिब्रू जबान में क्रिश्चियन और जूश मजाहब में लोग अदोनाए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं खुदा के लिए, दूसरे लफ्ज भी जैसे गॉड या, और ये राम जो संस्कृत जबान में अल्लाह का नाम है, और फिर एक ओम का जो सिख मजहब में पंजाबी जबान में अल्लाह का नाम है जिसका मतलब है एक ही मालिक है, एक ही खुदा है, ओंकार का मतलब है अल्लाह, तो एक ही। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये सिख मजहब मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसमें ये साफ बताया गया है कि हर मजाहब में एक ही मालिक के तारीफ किया जाता है, एक ही मालिक के जिक्र है सिर्फ मुख्तलिफ जबानों में। तो इसलिए मैंने वैसे ही करना शुरू किया। तो आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं जो हमारे यंग बंदे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, या फिर लेट्स से पाकिस्तान के जो यंग बंदे हैं, और कुड यू आल्सो गिव सम एडवाइस टू मी? सबसे पहले अल्लाह का नाम ले लो, अल्लाह का नाम जिक्र करो, इसमें बहुत फायदा है। किसी भी जबान में अगर कोई अल्लाह का नाम लेता है वो खुश होता है, उसका दिल साफ हो जाता है, पाक हो जाता है, बहुत फायदा है अल्लाह के नाम में। ये सबसे पहले मैं सबको बताता हूँ। और दूसरी बात मोहब्बत, मोहब्बत सबसे जरूरी चीज है, हर एक मजहब में ये सिखाया जाता है हकीकत में। और अगर पाकिस्तानी जवान पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं तो इन दोनों चीज पर मैं जोर ही दूंगा कि अल्लाह का नाम ले लो और रेड लेते रहो। और अल्लाह का नाम लेने का मतलब ये भी है दुआ करना, नमाज पढ़ना, कुरान शरीफ पढ़ना, और दूसरी बात इस को जरूर समझना कि पाक इस्लाम का मतलब है मोहब्बत, और दूसरों से प्यार करो, दूसरों की खिदमत करो, तो ऐसे ही पाकिस्तान असली पाकिस्तान बन जाएगा, पाक लोगों का स्थान। थैंक यू सो मच कि आपने इतनी अच्छी एडवाइस दी मेरे लिए, पाकिस्तान के सारे यंग लोगों के लिए, और आपने हमें अपनी हमारे साथ अपनी जर्नी से अपनी जर्नी शेयर की। तो बस मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ये सिर्फ यंग लोगों के लिए नहीं है, ये ओल्ड लोगों के लिए है, सब लोगों के लिए है जी, और सिर्फ इंसान के लिए नहीं, ये दूसरे सियारों के लोगों के लिए भी है क्योंकि मैं दूसरे सियारों के लोगों से भी मिला हूँ। और ये बहुत जरूरी बात है कि पूरी दुनिया के लोगों को समझना चाहिए कि हम सिर्फ इस सियारे पे नहीं रहने वाले हैं, हर एक सियारे में, शायद हर एक नहीं लेकिन ज्यादातर हर एक सियारे में अकलमंद लोग रहते हैं, मतलब इंटेलिजेंट लाइफ है। तो ये इसको भी समझना जरूरी है, और सब के लिए, सब के आला एक ही है, सब सियारों के लोगों को
उसका एक ही मालिक है, तो शायद मेरी जिंदगी में नहीं लेकिन दूसरों की आपकी जिंदगी में आपको ये जरूर पता चल जाएगा और आपको भी दूसरे सियारों में जाने का मौका मिलेगा। मेरी बेटी, मेरी बड़ी बेटी को मैं बचपन से ही मैं उनको बताता था कि जब वो पूछती थी मैं क्या करूं, मैं क्या बनूं मेरी जिंदगी में, मैंने हमेशा उसको बताया try to become an ambassador to another planet. ठीक है, पता नहीं क्यों लेकिन मैं हमेशा उसको बताता था, जब वो पूछती थी मैं उसको बताता था। तो ये भी बहुत जरूरी बात है पाकिस्तानियों के लिए, खासकर पाकिस्तानी जवानों के लिए, कि दूसरे सियारे के लोग, ये हॉलीवुड जैसे हमको बताया जाता है वो हकीकत नहीं है, वो बहुत अच्छे लोग हैं ज्यादातर, जैसे इंसान ज्यादातर बहुत अच्छे लोग हैं, कुछ शैतानी लोग भी हैं, तो दूसरे सियारे में भी ऐसे, दूसरे सियारों में भी ऐसे शैतानी लोग हैं लेकिन ज्यादातर सब बहुत अच्छे लोग। तो अच्छा, तो लाइक दूसरे सियारे लाइक अदर प्लैनेट्स, तो वर यू देयर फिजिकली या फिर मेंटली? अब ये काफी डिफरेंट है मेरे लिए, मैंने कभी, आई हैव नेवर हर्ड दिस बिफोर, देयर इज एक्चुअली पीपल देयर। हाँ नहीं, वो हकीकत है लेकिन हमारे मीडिया जो है जैसे 99% झूठी बातें बताते हैं हकीकत में। मीडिया में मैंने देखा अगर ने कम से कम 90-95% सब झूठी बातें बताई जाते हैं, खासकर दूसरे सियारे के लोगों के बारे में, दूसरे सियारों के लोगों के बारे में वो बताते हैं कि कोई है ही नहीं ये बस, और अगर कोई लोग कहते हैं वो पागल है। और जब मैंने पहले बात करना शुरू किया था मेरे दोस्तों को मैंने पहले बताया कि मैंने एक दूसरे सियारे के शख्स से मिला था, तो उन्होंने कुछ थे तो जिन्होंने मान लिया लेकिन दूसरे थे जिन्होंने कहा ये पागल हो गया। तो ये सब मीडिया के ये सीक्रेट उन्होंने रखा, लेकिन हकीकत में इंसान भी दूसरे सियारों में, सिर्फ चांद को नहीं दूसरे सियारों में गए हैं, मार्स में बहुत इंसान अभी भी रहते हैं मार्स में, लेकिन ये सब छुपाया गया है साउथ ही साउथ। जी, क्योंकि मैंने पहली दफा सुना है, बहुत सारे लोगों ने अब देवर एक्चुअली अ फ्यू पीपल, अब जिस तरह एक 14-year-old बच्चा था और ही क्लेम्ड कि ही केम फ्रॉम अनदर प्लैनेट, तो पेरेंट्स ने भी कहा कि पता नहीं तुम क्या कह रहे हो, मीडिया घर पे कवर करने के लिए आ गई, और एंड पे बच्चा बस वो चुप हो गया, ही डिडंट से एनीथिंग फर्दर। और जब से वो वाकया उसके बाद मेनी पीपल ऑलवेज वांटेड के आप पैसे डोनेट करें इस रिसर्च के लिए, फंड रेजिंग काफी लोगों ने शुरू की कि आप इस कॉज के लिए करें, हम देखें कि इज देयर एक्चुअली लिविंग थिंग्स ऑन द अदर प्लैनेट्स। तो कुछ कहते हैं नहीं झूठ बोल रहा है, कुछ कहते हैं सच बोल रहा है मीडिया अगेन। हाँ नहीं, ये बहुत जरूरी बात है हकीकत में, ये बहुत जरूरी बात है कि इंसान ये सीख लें, समझ लें कि दूसरे सियारे के लोग हैं और ये वहां भी यहाँ भी आ रहे हैं। और हकीकत में इमाम गजाली रहमतुल्लाह ने बताया था, जब हम पढ़ते हैं नमाज में सलाम लेना वाला बादलाए सालहीन, यानी सलाम हम सब पर जो अल्लाह के साफ दिल बंदे हैं। तो इमाम गजाली ने बताया ये लोग दूसरे सियारे पे भी, दूसरे सियारों पे भी हैं, और उन्होंने यहां तक बताया था कि वो लोग एक दूसरे से बात करते हैं, दूसरे सियारों के लोग एक इस उस सियारे के लोग उस दूसरे सियारे के लोगों से मिलते भी हैं, बात करते हैं। तो ये इमाम गजाली रहमतुल्लाह ने बताया था, तो आमतौर पर लोगों को ये नहीं मालूम, लेकिन कुरान शरीफ में बल्कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन, सब आलमों का मालिक है। क्या इतने मालिक उनका मालिक नहीं है जो दूसरे आलमीन में, दूसरे आलम सब खाली हैं, कोई वहां लोग नहीं रहते हैं। तो मालिक रब्बुल आलमीन का मतलब ही है कि दूसरे सियारों में
कुछ लोग जरूर होंगे जिनके मालिक अल्लाह है जी. और लाइक मैंने पहले तो बिकॉज मीडिया प्रूव्ड इट रॉन्ग और ये सारा था, एंड देन ऑफ कोर्स नासा गेट्स इन्वॉल्व, तो बहुत सारा था कि नहीं ये बंदा झूठ बोल रहा है, कोई कह रहा था सच बोल रहा है. तो मेरा था कि यू नो आई डोंट नो आई बिलीव इट इन और नॉट, बट नाउ आई सी कि देयर इज आई've नेवर, मैंने कभी होर नहीं किया कि लाइक इफ इट्स द यूनिवर्स एंड इट्स आवर प्लैनेट, देयर इज आल्सो अदर प्लैनेट्स और उसके ऊपर लाइफ हो सकती है. हां जरूर, क्यों नहीं होंगे क्या हम अकेला एक ही इसी सियारे पे रहने वाले लोग हैं? बल्कि ये एक सीक्रेट, इसको सीक्रेट स्पेस प्रोग्राम कहा जाता है. इसका थोड़ा आप रिसर्च करें, मेरी बात न माने, आप रिसर्च करें खुद. सीक्रेट स्पेस प्रोग्राम के आप एक सर्च करें, आपको मिलेगा जरूर इसके बारे में बहुत जरूरी बातें. इंसान के लिए इन बातों को समझना और सीखना बहुत जरूरी. जी. और आखिर में आई जस्ट हैव वन रिक्वेस्ट बिकॉज मेरा एक ही छोटा भाई है और ही इज 5 नाउ और मुझसे वो तकरीबन 8 साल छोटा है. And he was diagnosed with blood cancer 2 years earlier. Or that was a life-changing experience for me. And I see that, you know, life never goes on like the way you want it to. Or a lot of things changed. You could say everything changed at that time. Or please, uske liye dua kariyega ke Allah se dobara sehat yaab kar de. और हम जो है उसको दोबारा बहुत खुश जिस तरह वो बहुत पहले था हम देख सकें. मैंने पूरी बात नहीं समझी, आपके कोई सवाल है या रिक्वेस्ट? इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप प्लीज उसे दुआओं में याद रखिएगा. जरूर या मालिक रहीम के छोटे भाई पर रहम फरमा. हकीकत में जब लोग ऐसे बोलते हैं मुझे कि दुआ करें मेरे लिए, मैं बीमार हूँ इसके इलाज के लिए, तो मैं बताता हूँ देखो अल्लाह मालिक है, उसको जानता है हमारे लिए और हमारे भाई या बहन या माँ बाप के लिए क्या अच्छा है, वो उसके लिए अच्छा नहीं करेगा. तो शायद उस बीमारी से उसको और आपको, आपके माँ बाप को फायदा मिलेगा. हमको मालूम नहीं अल्लाह पाक ने क्यों ये होने दिया कि आपके छोटे भाई को इतने छोटे छोटे में ये ब्लड कैंसर हो जाए. शायद अल्लाह का कोई मकसद है इसमें, शायद इसमें फायदा होगा. तो अगर अल्लाह चाहता है फिर या मालिक रहम का बेट छोटे भाई पर रहम फरमा, अगर तू चाहता है उसको ठीक करे, अगर तू चाहता है कि कोई इसमें कोई दूसरा मकसद है तो, लेकिन जो तू चाहता है वो हो जाए. अगर तू मानना चाहता है इस दुआ को कि उसको ठीक करे तो उसको ठीक कर, नहीं तो अल्लाह जानता है क्या अच्छा है. ठीक है. एंड थैंक यू सो सो मच फॉर कमिंग एंड टेलिंग अस अबाउट योर जर्नी. आपने हमें बहुत कुछ बताया और आपने मुझे सबसे बड़ी चीज बताई. और अभी मैं हूँ कि बाकी में देयर इज एक्चुअली अदर पीपल ऑन अदर प्लैनेट. और बस मेरी अब से मेरी रिसर्च स्टार्ट हो गई है और इंशाल्लाह आई रिसर्च मोर अबाउट दिस. एंड यू शेयर्ड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस इन योर लाइफ टाइम एंड यू शेयर्ड के how beautiful Pakistan is and how beautiful we can still make it and we have to. So yes. Thank you so much for coming and thank you very much for inviting me. My pleasure. And with this the interview comes to an end and aaj hamare paas ek bahut bahut important personality thi, unhone hame bahut kuch sikhaya, bahut kuch bataya jis pe ab hum jaake research bhi kar sakte hain. और बहुत अच्छा एक मैसेज भी दिया फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान. सो थैंक यू सो सो मच. एंड दिस वाज एलन कीसलर पीपल एंड
With this, Allah Hafiz. Allah Hafiz.